नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेडा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार पिछले 6 महीनों से छात्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विज्ञापन तो इसका जारी हो गया, लेकिन ऐसे में आप सभी जानते हैं कि अभी तक इसकी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। कोरोना चुनाव के चलते सरकार ने बड़ी जल्दी इस परीक्षा को स्थगित तो कर दिया, लेकिन आयोजन कब होगा इसको लेकर लगातार छात्र परेशान भी हैं। तो ऐसे में कुछ जानकारियां देखने के लिए मिली हैं। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हैं कि भर्ती लटक चुकी है, ऐसा हुआ वैसा हुआ है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से फैसला ना लेने की वजह से अभी तक इस भर्ती को लेकर कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। इसी वजह से अभी तक आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए नहीं मिली है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण देखने के लिए मिल रहा है वो है PNP सचिव का ज्वाइन ना करना। ऐसे में आज की तारीख में जानकारी लेने का प्रयास किया गया, जब फ़ोन पर वार्ता करने का प्रयास किया तो उनका कहना था कि PNP सचिव की जो जानकारी देखने के लिए मिली, उनका कहना है कि वो अगले हफ्ते ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद में आगे की जो कार्यवाही होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ से भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि शासन की तरफ से यहाँ से कहने की जो प्रस्ताव है भेजा जा सकता है। हो सकता है कि शासन इस परीक्षा को लेकर कोई फैसला ले ले, या फिर अगर हम बात करें PNP सचिव के आ जाने के बाद से यहां से एक रिमाइंडर भेजा जाएगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। और उधर से जैसे ही फैसला होता है परीक्षा की तारीखों का, शासन आदेश जारी करते हुए आप सभी को तारीखें देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब जैसा कि आप सभी को याद होगा, PNP सचिव की तरफ से जब इस परीक्षा को स्थगित किया गया था तो उनकी तरफ से यहां बताया गया था कि कोरोना के चलते परीक्षा को स्थगित करना या पंचायती चुनाव के चलते, तो शासन ने शासन आदेश जारी करके परीक्षा को स्थगित कर दिया था। ऐसा ही कुछ आपको अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर देखने के लिए मिलेगा। यहां से कहीं ना कहीं प्रपोजल भेजा जाएगा कि इस परीक्षा के आयोजन को लेकर शासन की तरफ से क्या अनुमति है और कब इस परीक्षा का आयोजन करवाना है, और जिस तारीख को लेकर शासन की तरफ से मोहर लगा दी जाएगी उसी के अनुसार PNP इस परीक्षा को करवा लेगी। हालांकि इसको होने में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो नए PNP सचिव यहां पर अपॉइंट किए गए हैं उनकी तरफ से अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की गई है। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं उसके 1-2 दिनों के अंदर PNP से आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम देखने के लिए मिल सकता है, और जैसे ही कोई अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को दे दी जाएगी। लगातार जानकारी लेने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में कब तक करवाई जा सकती है, उम्मीदें ज़्यादा हैं कि 15 अगस्त के बाद ही आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर शासन की तरफ से कोई नई तारीखों को ऐलान किया जाता है तो वो भी आप सभी को दे दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उम्मीद है कि जल्दी आपको जो परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में CM के साथ बैठक भी होने वाली है, जहां पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विचार किया जा सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ में 22,000 सीटों को लेकर। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी 22,000 सीटों को लेकर परेशान भी हैं। सुबह से अभ्यर्थी पूछ भी रहे हैं कि सर 22,000 सीटों को लेकर क्या शासन की तरफ से कोई फैसला हुआ है, क्योंकि लखनऊ में लगातार इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी जारी है। तो ऐसे में मैं आप सभी को बता दूँ कि छात्र पिछले कई दिनों से इस धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू करके रखा है। उनका कहना है कि जब तक शासन की तरफ से 22,000 सीटों को लेकर फैसला नहीं लिया जाता वो लखनऊ से नहीं हटेंगे, और लगातार 22,000 खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जो मांग है वो की जा रही है। उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती के जितने भी पद खाली रह गए थे 68,500 में, उन सभी पर 60-65 अभ्यर्थियों से भरा जाए। हालांकि इसको लेकर शासन की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई भी आदेश देखने के लिए नहीं मिला है, ना ही अधिकारियों के माध्यम से कोई ठोस आश्वासन उन सभी को दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर विचार किया जाएगा, धरना प्रदर्शन समाप्त किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी 22,000 की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि जब तक शासन की तरफ से आदेश जारी नहीं होता या फिर यहाँ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि 22,000 सीटों को लेकर 68,500 वाले छात्र विवाद को लेकर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि ये जो मामला है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है, लेकिन वहां से भी अभी कुछ देखने के लिए नहीं मिला। तो 22,000 सीटों पर खाली पदों की भर्ती की जो मांग है वो लगातार SC/RTA पर की जा रही है। छात्र धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं लेकिन कोई अंतिम निर्णय देखने के लिए नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ बात करें एक और जो आदेश है जारी किया गया 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पे आप देखेंगे 26/6/2021 के क्रम में जारी होता है। ये उन सभी के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हो गए, अब जो रह गए उन सभी के लिए बड़ी दुख की बात है।
लेकिन जिस प्रकार शासन ने इसमें चयन सूची जारी की है पारदर्शिता देखने के लिए नहीं मिली है। कई जगहों पर बताया गया कम गुणांक वाले चयनित हो गए तो ज़्यादा गुणांक वाले बाहर हुए हैं। अब ये कैसे हुआ है ये तो सब माया आप सभी जानते ही हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी बाहर निकल गए उन सभी से अब कोशिश है कि आगे निकलने का भी आपको प्रयास करें। और भी कई भर्तियां आप सभी के सामने हैं जिसमें हम आपका हमेशा की तरह साथ भी देंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और लगातार आपको आगे पहुंचाने का जो कार्य है वो किया जाएगा। इस बार आप असफल हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी आप असफल हो जाएंगे। पॉजिटिव रहकर नेक्स्ट वैकेंसी में हमारे साथ जुड़िए। TGT भी आ गई है, एडिट जूनियर भी आ गई और सब कुछ ठीक रहा तो प्राथमिक भी आएगी, लेकिन अगर घोटाले ना हो तो और भी बेहतर होगा। उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अनंतिम चयन सूची के अंदर आवंटन सूची देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें उनका कहना है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसके क्रम में और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिली। फिर उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर जो खाली पद रह गए थे उसको लेकर बताया गया कि 28/6/2021 से लेकर 29/6/2021 को आप सभी के अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा, मतलब कि काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। साथ में दूसरे नंबर पर आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि नाम वगैरह को लेकर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर आप सभी को और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी कि अभ्यर्थी के पास में कौन कौन सा बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए, क्या क्या लिखा होना चाहिए। और नीचे लिखा होगा कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के नाम प्रयागराज के नाम से होना चाहिए, जो कि 500 रुपये होगा आप सभी के बीच। अगर हम बात करें OBC और साथ में अनरिजर्व के लिए, और जो SC ST से होंगे उनके 200 रुपये का लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार का कोई बैंक ड्राफ्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि बैंक ड्राफ्ट को यहाँ पर शासन को पहुँचाना होगा। पॉइंट नंबर 6 के अंदर बताया गया किस प्रकार आप सभी का अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। साथ में शिक्षा मित्रों के बारे में बता दिया गया, शैक्षिक अर्हता को लेकर TET CTET और भी जो चीज़ें होंगी उन सभी का ध्यान से परीक्षण किया जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गलती देखने के लिए ना मिले। और उसके बाद में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अगर कोई विसंगति या फिर भिन्नता पाई जाती है तो इस संबंध में जो जानकारी होगी वो शासन को दी जाएगी और शासन स्तर से इसका जो फैसला है वो लिया जाएगा। नीचे आप सभी को अभी कुछ जानकारियां देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं सूचीबद्ध करते हुए उनसे बैंक खाते के विवरण प्राप्त कर लें और ऐसे में सुरक्षित कर लिया जाए, जिसके बारे में नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल है और कितने अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, मतलब यहाँ पर उनकी जो अर्हता है वो पूरे तरीके से होनी चाहिए। और भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने को लेकर जो जानकारी वो अलग से दे दी जाएगी। हालांकि शासन ने आदेश जारी किया था कि मुख्यमंत्री से 30 तारीख को नियुक्ति पत्र देंगे, तो फिलहाल पूरे के पूरे जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं जो कि आपकी काउंसलिंग के संबंध में है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको इस भर्ती में शामिल ना हो पाना, चाहे वो गुणांक को लेकर हो या फिर जो भी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं वो तो आप सभी के समक्ष है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है 69,000 में पद जोड़ने को लेकर। अब क्या फैसला लिया जाएगा, क्या होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा शासन के ऊपर। और जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।